Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of the Stolen Basilis. This is going to be part two. Part one I already have uploaded. Those who have missed, they can visit my channel and go through part one. Students, uh, let's continue. I suppose the pale man said with a slight smile, "You scarcely care to have such things about you in the living, in the active state." Students, um, part one में हम लोगों ने discuss किया था कि कैसे bacteriologist उस visitor को microscope के नीचे glass slide पर bacteria को दिखाता है और वो बताता है, सोचता है कि अगर ये छोटे छोटे बैक्टीरिया अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये डिवास्टेटिंग हो सकते हैं पूरे के पूरे शहर को का विनाश कर सकते हैं और चूँकि वो विजिटर आरजक तत्व था अनार्कस्ट था तो वो ये बात सोच करके अंदर अंदर खुश हो रहा था फिर वो कहता है बैक्ट्रोलॉजिस्ट कि उसका बस अगर वो चले तो वो इस दुनिया से सारे वायरस सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे यहाँ तक कल हम लोगों ने कवर किया था तो आज देखिए पेलमैन कहता है अब चूँकि वो खुले में ही बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसको जो है ये लिविंग और आ, लिविंग बैक्टीरिया दिखा रहा है तो वो कहता है आई सपोज यू इस केयर टू हैव सच थिंग्स अबाउट यू इन द लिविंग इन द एक्टिव स्टेट तो वो विजिटर कहता है कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट से कि मुझे नहीं लगता कि आपको जो है आ, आ, इस बात की ज़रा भी फिक्र है क्योंकि आप खुले में एक्टिव स्टेट में जो है इन सारी चीज़ों को बैक्टीरिया को मुझे दिखा रहे हैं ये ख़तरनाक हो सकता है ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर ओबलाइज टू सेट द बैक्टीरियोलॉजिस्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है कि नहीं इसकी जगह पर तो हम हम मैं अपने आप को ओब्लाइज फील करता हूँ हियर फॉर इंस्टेंस ही वॉकड अक्रॉस द रूम एंड टोक अप वन ऑफ द सेवरल सील्ड ट्यूब्स और इंस्टेंस मतलब होता है एक वाक्य या फिर एक उदाहरण के तौर पे वो जाता है अपने रूम में और कई जो है सील्ड ट्यूब्स लेकर के आता है फिर कहता है हियर इज़ द लिविंग थिंग ये लिविंग थिंग है मतलब उस सील्ड ट्यूब में लिविंग और एक्टिव बैक्टीरिया थे दिस इज अ कल्टिवेशन ऑफ एक्चुअल लिविंग डिजीज़ बैक्टीरिया फिर वो बताता है कि ये एक्चुअल में जो है डिजीज़ uh, बैक्टीरिया का कल्टीवेशन है और ये इस uh, इन सारी सील्ड ट्यूब्स में पैक हैं ही बॉटल्ड कॉलरा सो टू स्पीक और उसके बाद वो झिझकते हुए पूछता है बॉटल्ड कॉलरा मतलब इस पूरे, का पूरे sealed में, इतनी के पूरे सील्ड ट्यूब में इतने कॉलरा के बैक्टीरिया हैं कि वो जो है पूरा का पूरा विनाश कर सकते हैं सबको जो है डिजीज फैला सकते हैं अस्लाइट ग्लीम ऑफ सेटिस्फैक्शन अपियर मोमेंटरली इन द फेस ऑफ अ पेल मैन अब चूँकि वो एक अनार्किस्ट था ओके okay, एक अराजक तत्व था तो ये बात देखते ही कि उसके सामने एक ऐसा सील ट्यूब है जिसमें डिजीज़ को फैलाने की क्षमता है पूरा का पूरा सिटी वो नष्ट कर सकता है ये चीज़ देख करके उसके चेहरे पर मोमेंटरली मतलब क्षण भर के लिए एक सेटिस्फैक्शन ग्लीम मतलब चमक उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है द बैक्टीरियोलॉजिस्ट हेल्ड द ट्यूब इन इज हैंड थॉटफुली और जो है वो बैक्टेरोलॉजिस्ट बहुत सोचते समझते ध्यान से उसके हाथ में वो ट्यूब थमा देता है यस हियर इज़ द ऑफेंडिंग बैक्टीरियम इम्प्रेजेंट फिर वो कहता है कि यहाँ पर जो है इन सारी ट्यूब्स में ऑफेंड ऑफेंड मतलब होता है अटैक करना डिफेंड मतलब होता है बचाव करना तो ये बैक्टेरियोलॉजिस्ट कहता है कि यहाँ पर ये यह सारे बैक्टीरिया जो है इमप्रेजेंट हैं सील्ड हैं और ये सारे अटैकिंग ऑफेंडिंग बैक्टीरियम है ओनली ब्रिक सच आर लिटिल ट्यूब एज दिस इंटू सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से टू दिस माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ लाइफ अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है कि सिर्फ अगर एक ट्यूब भी गलती से भी टूट करके पानी के सप्लाई में गिर जाए तो क्या होगा कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं माइन्यूट मतलब बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं गो फोर्थ ये आगे जाएंगे इंक्रीज बढ़ेंगे मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेथ मिस्टीरियस अनट्रेसेबल डेथ और उसके बाद क्या होगा मृत्यु कैसी मृत्यु होगी मिस्टीरियस रहस्यवादी मृत्यु होगी अनट्रेसेबल डेथ होगी ट्रेस मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ की वजह जान पाना और बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है कि अगर इन बैक्टीरिया की वजह से मौत होगी तो वो अनट्रेसेबल होगी कोई जान ही नहीं पाएगा कि लोग क्यों मर रहे हैं डेथ स्विफ्ट एंड टेरिबल बहुत ही भयावह डेथ होगी मृत्यु होगी डेथ फुल ऑफ पेन एंड शेम और वो जो डेथ होगी बहुत ही पेन बहुत ही दर्दनाक होगी वुड बी रिलीज अपॉन दिस सिटी और अगर ऐसा होता है तो पूरी पूरी ऐसी ही मृत्यु पूरी सिटी पर छा जाएगी देश मैन नोटेड और ऐसा सुनते ही वो जो है अपनी गर्दन झुका करके नोट करता है हिज आइज शोन और उसकी आँखें चमक जाती है ही क्लियर हिस्सूट वो जो है अपना गला साफ करता है दीज अनार्किस्ट रास्कस सेड ही आर फूल्स ब्लाइंड फूल्स फिर वो कहता है कि ये अनार्किस्ट जो है जो अराजक तत्व हैं ये बहुत ही मूर्ख हैं ये एकदम बिल्कुल मूर्ख हैं टू यूज़ बॉम्ब्स ये इन्हें फालतू में ये लोग बॉम्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं अगर उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अवेलेबल हो जाएं, तो वो एक झटके में पूरे के पूरे जो है सिटी को नाश कर सकते हैं अजेंटो रैप अ मीयर लाइट टच ऑफ द फिंगर नील्स वॉज हडटा डोर उसके बाद क्या होता है कि एक हल्की सी नॉक की आवाज़ आती है अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट जस्ट ओपेंडेट जस्टमिना डियर विस्पर्ट इज वाइफ और उसके बाद जो है उसकी वाइफ उसे बुलाती है कि एक मिनट डियर यहाँ पर मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स डैट इट फॉर टूडे इसके बाद आएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और उसके बाद आएगा एक इंटरेस्टिंग turn we'll go through the chapter so keep studying keep watching my videos keep loving literature god bless you all thank you